शिवसेना महानगर द्वारा भाजपा सरकार द्वारा लगाई गई जीएसटी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। शिवसेना के पदाधिकारियों ने लोकोशेड पुल से प्रकाश नगर चौराहे तक और चौधरी चरण सिंह चौक तक जुलूस निकालकर सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। शिवसेना महानगर द्वारा भाजपा सरकार द्वारा बढ़ाई गई जीएसटी दरों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। शिवसेना पदाधिकारियों ने लोकोशेड पुल से प्रकाश नगर चौराहे तक और चौधरी चरण सिंह चौक तक जुलूस निकालकर सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। इस दौरान शिवसेना पदाधिकारियों ने दूध दही से भरी मटकियां भी फोड़ी और जबरदस्त प्रदर्शन किया। शिवसेना जिला प्रमुख वीरेंद्र अरोड़ा ने कहा कि देश के अंदर महंगाई लगातार बढ़ रही है। पहले डीजल पेट्रोल की कीमतों को बढ़ाया गया, फिर गैस के सिलेंडर्स की कीमत बढ़ा दी गई। उन्होंने कहा कि आज केंद्र सरकार ने एक नया फैसला लिया है, आटे दाल दूध दही पनीर आदि और गरीबों के खाने की चीजों पर जीएसटी लगा दी गई। ये सरकार सिर्फ गरीब विरोधी सरकार है, अमीरों के पेट भर रही है। गरीब विरोधी केंद्र सरकार का शिवसेना ने पूरे जिले भर में विरोध किया। इसके लिए शिव सैनिकों ने लाइन पार प्रकाश नगर में मटके फोड़े। उन्होंने कहा कि मटकों पर लिखा था गरीबों की दाल आटा पनीर दूध ये खाली हो गए। साथ ही उन्होंने कहा कि गरीब अब ये भी नहीं खा पाएगा। साथ ही कहा कि अब भी केंद्र सरकार जाग जाए, गरीबों के मुंह का निवाला छीन लिया है। इसके लिए शिवसेना गरीबों की लड़ाई लड़ेगी। आपने देखा कि जीएसटी को बढ़ाया गया। एक तरफ से हमारे देश के अंदर महंगाई लगातार बढ़ रही है। पहले डीजल पेट्रोल बढ़ाया गया, गैस के सिलेंडरों की कीमतें बढ़ी, उसके साथ साथ लगातार जो रिपोर्ट्स आ रही है आर्थिक मंदी की रिपोर्ट होने के साथ साथ बेरोजगारी बढ़ रही है। नवयुवक और लगातार बेरोजगार हो रहे हैं। आज सरकार ने केंद्र सरकार ने एक नया फैसला ले लिया, आटे पर जीएसटी, दाल पर जीएसटी, दूध पर, दही पर, पनीर पर, जो गरीबों के खाने की चीज़ें उन पर जीएसटी लगा दी। ये केंद्र सरकार सिर्फ गरीब विरोधी सरकार है, ये अमीरों के पेट भर रही है, अमीरों को पैसा कमवा रही है और गरीबों के खाने की चीज़ों पर भी इसने जीएसटी लगा दी। ये गरीब विरोधी सरकार है। इस सरकार का शिवसेना ने आज पूरे महानगर में जिले में विरोध करा। इसके लिए शिवसैनिकों ने आज लाइन पर प्रकाश नगर पर भी अभी जो है इस सरकार के खिलाफ में लगातार जबरदस्त विरोध करा है और मटके फोड़े हैं। ये सरकार खत्म होनी चाहिए। जय भवानी जय शिवाय। मटकों पे लिखा हुआ था कि जो हमारे गरीबों की जो दाल है, आटा है, जो हमारे पनीर हैं, हमारे दूध हैं, ये अब खाली हो गए, अब ये गरीब ये भी नहीं खा पाएंगे। तो उनके विरोध में हमने वो सब चीज़ें तोड़ी हैं कि जिससे कि अब भी केंद्र सरकार जाग जाए कि गरीबों के मुंह के जो निवाला है वो छीन लिया है। इसके लिए शिवसेना गरीबों की लड़ाई लड़ेगी। गरीब अमीर गरीब लगातार हो रहा है। आप देख रहे हो कि 5,000 के कमरे पे जीएसटी 5% और 1,000 के कमरे पे जीएसटी 12%। और अभी आपने देखा डीएलएफ ने 27,000 करोड़ रुपया ले लिया, उसको भारतीय जनता पार्टी को 27,00,000 करोड़ रुपये चंदा दे दिया, उसको छूट दे दी गई। वो जो बड़े बड़े देश में से घोटाले करने वाले हैं वो भाग रहे हैं, मजा ले रहे हैं। और गरीब पब्लिक पे असर पड़ रहा, पब्लिक लगातार असर आप देख रहे हो। किसान आंदोलन हुआ, 13 महीने किसान भी सड़कों पे बैठे। अब सड़कों पे पब्लिक को उतरना चाहिए, विरोध करना चाहिए। ये देश एक प्रजातंत्र का देश है, लोकतंत्र का देश है। इसमें सरकार के साथ शिवसेना हमेशा गरीबों की लड़ाई लड़ रही है और लड़ती रही है। हमारे सांसद भी लगातार इसको संसद के माध्यम से उठा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी गरीब विरोधी सरकार है, शिवसेना इसका विरोध करती है। जय भवानी जय शिव। इस दौरान भारी संख्या में शिवसेना के कार्यकर्ता मौजूद रहे।